بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم students. Times College 245 MCQs of first year chemistry. उसके lectures के सिलसिले का तीसरा lecture आज हम कर रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि हर lecture में 50-50 MCQs cover करें ताकि video बहुत बड़ी भी ना हो, आप उसको आसानी से सुन सकें, समझ सकें. कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर explanation को शामिल करें, सिर्फ answers ना बताया जाए. वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके. ठीक है बेटे, लास्ट लेक्चर, पहले लेक्चर में 50 एमसीक्यू किए थे, लास्ट लेक्चर में हमने 51 कर लिए थे क्योंकि इस नेक्स्ट पेज पे हमें दूसरे एमसीक्यूज मिल रहे थे. जैसे कि ये था लास्ट में, यूनिवर्सल इंडिकेटर इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन शोज दिस कलर. तो हमने कहा था रेड कलर शो करता है. बुक के अंदर पूरा टेबल दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं. तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में बात की. आज हम जो 102 से स्टार्ट करेंगे, तो शुरू करते हैं. This ion is more strongly hydrated with water. पहले भी इस तरह का MCQ आ चुका है, मैंने आपसे अर्ज की थी. जिसका charge positive ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा strongly hydrated होता है. इसीलिए इसका answer है Al plus 3. A powdered solid is more reactive than its chunks due to the. किसी भी चीज़ को अगर हम पीस लें, छोटे-छोटे pieces में convert कर लें, powdered form में लिया है, तो वो reactive ज़्यादा हो जाती है compared to large pieces. वजह उसकी होती है greater surface area. छोटे piece का surface area ज़्यादा होता है. The reaction 2NO2 2NO+2. तो देखो, जब कोई तुम्हें केमिकल रिएक्शन का डेटा नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो रिएक्टेंट के जितने भी मोल्स होने प्लस कर लो, ऑर्डर पता चल जाएगा. यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है बेटे. उसके बाद फोटोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट आर ऑफ डैश ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं. ठीक है जी. अच्छा, for strong acid and weak base titration, dash is often used as an indicator. तो बेटे अगर weak base होता है तो फिर titration के लिए methyl orange indicator के तौर पे इस्तेमाल होता है. Base के respect से हम याद कर लेते हैं, तो आपको बता रहे हैं हम कि अगर weak base है तो methyl orange आप as an indicator use करो. Next है for strong base and weak acid titration, dash is often used as indicator. अगर strong base है और acid weak है तो फिर phenolphthalein. तो base से याद कर लो, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करो, और अगर बेस वीक है तो फिर मिथाइल ऑरेंज यूज करो. इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है 108. ये थोड़ा टिपिकल एमसीक्यू है, इंडिकेटर के टॉपिक का है. एक इक्वेशन दे रखी है हमें, एच आई एन ये एक इंडिकेटर है, रेड कलर है इसका. आई एन जो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है उसमें रेड कलर है, और जो आयनाइज फॉर्म है उसका इस कलर कौन सा है, येलो कलर है. ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन इन्होंने इक्वेशन में दी हुई है. कह रहे हैं इसमें एसिड एड कर दिया. Acid is added in the above mentioned methyl orange indicator. ठीक है, अब ये आपके सामने वाजे तौर पे आ गई. ठीक है जी. The color becomes, अब देखो जब acid add करेंगे तो वो H positive ion देगा. H positive ion जाएगा product पे, H positive की concentration बढ़ेगी. तो according to Lee Chatelier principle, reaction backward direction में जाएगा, यानी कि इस direction में जाएगा, क्योंकि product की concentration बढ़ी है ना. Acid जब add करेंगे, देखो लिखा हुआ है, acid is added in the above mentioned methyl orange indicator. तो एसिड के एडिशन पर एच पॉजिटिव यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म का कलर रेड है तो रेड कलर शो करेगा. अगर इसमें हम बेस ऐड करते तो वो OH नेगेटिव देता, जो एच पॉजिटिव से रिएक्शन करता, फिर येलो कलर आता. द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है. अगला एमसीक्यू है O-2 से O-1 हो रहा है, -2 से -1 मतलब कि बढ़ रहा है, यानी कि माइनस की वैल्यू जब कम होती है ना तो मतलब कि इंक्रीज हो रही है. तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ये रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन. ठीक है, C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन मिले, CO2 बन गया. डैश अंडरगोज रिडक्शन, किसकी रिडक्शन हो रही है, तो देखो कार्बन जब अकेला था तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, ऑक्सीजन जब अकेला है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0. ठीक है, अब जब CO2 बन गया तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया, कार्बन का +4 हो गया. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की वीडियो अपलोडेड है, वहां से आप इसको देख सकते हैं कैसे निकाला है मैंने. तो ऑक्सीजन 0 से -2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिडक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो वो ऑक्सीडेशन है, और कम हो तो वो रिडक्शन है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है. The deviation of boiling point, freezing point, vapor pressure and osmotic pressure becomes twofold for the following solution. किसके लिए colligative properties पर double effect पड़ेगा? तो देखो, one mole sugar है, sugar ions में नहीं टूटती,
वन मोल ग्लूकोज है, ये भी आयंस में नहीं टूटेगा, लेकिन जब NaCl का एक मोल हम लेंगे तो वो अपने आयंस में टूटेगा। NaCl आयंस में टूटा तो Na पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव भी देगा। इसमें जो पार्टिकल्स की तादाद है वो डबल हो जाएगी, और क्योंकि पार्टिकल्स की तादाद यहाँ डबल हो रही है तो ये सारी चीजें भी टू फोल्ड बढ़ेंगी। तो इसका जवाब है वन मोल NaCl। ये आयनिक कंपाउंड है तो आयंस में टूटेगा, बाकी दो नहीं टूटेगा। कन्वर्जन ऑफ Sn प्लस टू टू Sn प्लस फोर, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस टू से प्लस फोर हो रहा है, क्या है ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन HClO, HClO में हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखेंगे तो प्लस वन आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन Cl2O7, ऑक्सीजन सात है और दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, तो सात सेवन ऑक्सीजन माइनस 14 हो गए, एक क्लोरीन प्लस सेवन आएगा। ठीक है बेटे, a substance which bring about a reduction reaction is called dash agent. वो substance जो reduction कराता है उसको क्या कहते हैं, reducing agent. जो oxidation कराता है वो oxidizing agent. जो reduction कराता है वो reducing agent. In which of the following molecule the oxidation number of carbon is not zero? इनमें से किस में carbon का oxidation number zero नहीं है? किसी में भी carbon, क्योंकि अकेला नहीं है। जब कोई element अकेला होता है तो उसका oxidation number zero होता है। carbon ने सब जगहों पे bond बनाए हुए हैं किसी न किसी के साथ, तो all, इसका जवाब है सब में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो नहीं। ठीक है बेटे, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। 117 हमने कर लिया है, 118 से हम अपनी बात का आगाज करें। अच्छा जी, 118 है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लास्ट लेक्चर अगर देखेंगे, लास्ट वीडियो अगर देखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो एसिड क्या करता है लिटमस के साथ, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एसिडिक मीडियम में लिटमस का कलर रेड हो जाता है, तो ये ब्लू लिटमस को रेड करता है। ये इसका आंसर है। व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑटो कैटालिसिस। प्रोसेस ऑटो कैटालिसिस होता है और कैटलिस्ट कहलाता है ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, अच्छा जी, एक रेट एक्सप्रेशन दी है, dx upon dt is equal to k, a की पावर a और b की पावर b। इन द अबव रेट एक्सप्रेशन द सम ऑफ a एंड b इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि द सम ऑफ पावर, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन रेट एक्सप्रेशन। इन द रिएक्शन एक रिएक्शन दिया हुआ 2b और से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर b की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ेगा। जब इसकी एक्सप्रेशन बनाएंगे तो b पे क्योंकि स्क्वायर लगेगा, और जब डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डैश टाइम फास्टर व्हेन टेंपरेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहलाता है लॉ ऑफ थंब रेट, कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो यहां पे 2 इसका जवाब है, 2 टाइम्स बढ़ेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन टेंपरेचर बढ़ने पर। फॉर द रिएक्शन ए एक रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है, कह रहे हैं कि जब ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तभी तो कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ रहा है। अगर कंसंट्रेशन डबल करने पर ए की रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स बढ़ता तो ये फर्स्ट ऑर्डर होता, और अगर ए की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता तो ये जीरो ऑर्डर होता। अगला है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हमारे कोर्स में जो नॉर्मली बात की हुई है ना, वो अपने कोर्स की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो। जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है, जब नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होता है। आई थिंक ये कराची बोर्ड की किताब में नहीं, मेबी हो, तो खैर हमने आंसर तो आपको बता दिया। The unit of rate constant and rate of reaction is same for dash order reaction, zero order reaction. Rate constant के मुख्तलिफ units होते हैं, zero के लिए अलग, first के लिए अलग, second के लिए अलग, third के लिए अलग। Zero order के लिए rate constant का unit rate of reaction वाला ही होता है। The common oxidation state of halogens is, normally halogens minus one में पाए जाते हैं, vary भी करते हैं, लेकिन common या normal oxidation state जो है halogens की वो क्या है, minus one। अच्छा जी, अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं सबको। 127 हमने लास्ट एमसीक्यू किया है, सॉरी 26 किया,
ऊपर करेंगे उसको, कुछ आगे पीछे होगा जी, 127 आई थिंक आ गया। Which of the following is balanced redox equation? Balanced redox equation के लिए आसान सा तरीका बताऊं आपको, reactant और product side पर charge देख लें, जिसमें दोनों तरफ charge बराबर है वो balance है। अब इस पे देखो, zinc पे कोई charge नहीं है, zero, silver पे plus one है, तो zero plus one, reactant side पे total charge कितना है plus one, यहाँ पे silver अकेला है तो zero, एक zinc plus two है तो दो कितने हो गए plus four, तो reactant side पे प्लस वन, प्रोडक्ट साइड पे प्लस फोर, चार्ज बराबर नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसमें जिंक जीरो है, सिल्वर प्लस वन है, तो प्लस वन यहाँ पर है, यहाँ पे सिल्वर जीरो है और जिंक प्लस टू है, ये भी बराबर नहीं है। इसको देखो, सोडियम तो अकेला है, कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो, आयरन पे प्लस थ्री है, तो टोटल चार्ज कितना है इधर का प्लस थ्री, यहाँ पे देखो आयरन जीरो है, सोडियम एक प्लस वन होता है तो तीन कितने हो गए प्लस थ्री, दोनों तरफ चार्ज बराबर, यही इक्वेशन इसमें बैलेंस है। पहली वाली को भी खुद करके देख लेना, चार्ज दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा बेटे। अच्छा जी, इन पाई बॉन्ड चैप्टर 4 का एमसीक्यू आना शुरू है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बोथ अबव एंड बिलो द प्लेन, दोनों दोनों तरफ होती है, अबव भी होती है और बिलो भी होती है, चैप्टर 4 का एमसीक्यू आता है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिटवीन 20-40 किलो जूल पर, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड लेकिन प्राइमरी बॉन्ड से बिलीव होता है। डैश इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, वैलेंस ही होता है। एंगल बिटवीन sp3 ऑर्बिटल इज 109, वैसे तो 109.20 तकरीबन ऐसे ही होता है, 109.28 होता है या 109.5, लेकिन 109 का ऑप्शन दिया हुआ है तो ये भी ठीक है। ठीक है बेटे, ओके आगे की तरफ बढ़ेंगे। 131 तक हमने किया था। 132, dash is the mixing of atomic orbitals to form equivalent orbitals of same shape and energy, hybridization hoti hai, sahi na, the formation of new orbitals of same size and energy. Dash introduced the concept of orbital hybridization, Pauling. Theek hai ji, the valency of carbon in ground state appears to be plus 2. Ground state mein carbon ki valency lagti kitni hai ki plus 2 hogi. The bond formation in fluorine molecule is due to the overlap of dash orbital pp. Do halogens yaad rakhe, halogens hamesha apna p orbital use karte hain, to ab fluorine ka molecule ban raha hai, dono f hai, to pp orbital hota, agar hydrogen hota to wo s orbital istemal karta hai. Bond energy of carbon double bond carbon as compared to that of carbon triple bond carbon iski kam hoti hai, bond energy of carbon double bond carbon less hoti hai, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेज इट इज अपीयर टू बी प्लस। देखो मैं तुम्हें बता देता हूं इसको, कार्बन की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन, कार्बन की जब ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन होती है ना, वैसी होती है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, दो, तो वैलेंसी कितनी हो गई जी, 2 हो गई। लेकिन जब कार्बन की एक्साइटेड स्टेट आती है तो जनाब वाला 1s2 वैसे का वैसे ही 2s1 हो जाता है, 2px1 हो जाता है, 2py भी बेटा 1 हो जाता है और 2pz भी 1 हो जाता है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो ग्राउंड स्टेट में कितने, दो, तो इसीलिए ग्राउंड स्टेट में कार्बन की वैलेंसी हमने क्या मानी थी, 2, और जब एक्साइटेड स्टेट में आए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 हो गए, इसीलिए हमने क्या कहा वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट इज, देख लीजिए 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ऊपर इत्तेफाक से मैंने लिख भी दी और अगला एमसीक्यू भी वही आ गया। अच्छा जी, द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज हाईएस्ट फॉर पीपी, एस एस का ओवरलैप अगर होता है तो सबसे कमजोर होती है स्ट्रेंथ, एस पी की उससे ज्यादा होती है और पी पी की ओवरलैप सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। याद रखना, मैं तुम्हें इसका ऑर्डर भी यहाँ पे लिख देता हूं, एस एस का ओवरलैप सबसे वीक है, एस पी का ओवरलैप उससे स्ट्रांग है और पी पी का ओवरलैप बेटे सबसे स्ट्रांग है। ठीक है जी। अच्छा, द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज, सीएल टू है
और दोनों जब एक जैसे एटम होते हैं तो डायपोल मोमेंट जीरो होती है, नॉन पोलर हो गया ना, तो नॉन पोलर की जीरो होती है। द वैलेंसी ऑफ बोरॉन इन ग्राउंड स्टेट इज, बोरॉन की जब कॉन्फिगरेशन लिखोगे, चलो मैं तुम्हें ये भी लिख के दिखा देता हूँ ताकि अगले एमसीक्यू में भी हमें फायदा हो। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है बेटे 5, 1s2, 2s2, 2p1, ये ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में देख लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है इसके पास ना, 2px1 कर देते हैं, चलो बाकी 2p/0 और 2pZb0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है ना बोरॉन के पास, एटॉमिक नंबर 5 है, तो बोरॉन की वैलेंसी क्या हो गई यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में 1। लेकिन जब बात आएगी एक्साइटेड स्टेट की तो क्या होगा, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz0। हुआ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन s से चला गया py में। तो जनाबे वाला ग्राउंड स्टेट में इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 है, और जब एक्साइटेड स्टेट में आया ये तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो भाई 3 हो गई इसकी वैलेंस। इज दैट क्लियर, इसको अब मैं मिटाऊंगा और अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ूंगा। 142 तक हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, फिर वही बैलेंसी है बेरिलियम। द बैलेंसी ऑफ बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट इज, बेरिलियम की जब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम की बैलेंसी 0 होती है। A single bond in a covalent bond is sigma bond, सारे single bonds sigma होते हैं। The valency of beryllium in excited state is 2 हो जाती है, ठीक है? The sp2 orbitals are coplanar होते हैं भाई। The valency of oxygen is, oxygen की valency normally 2 होती है। The valency of nitrogen is 3. When the electrons are present in low energy orbital, it is dash state, कम energy वाले में होते हैं तो ये ground state कहलाते हैं। Which atomic orbital is always involved in sigma bonding? कौन सा orbital सिर्फ और सिर्फ sigma bond बनाता है? तो वो है जनाबे वाला s orbital. S orbital सिर्फ और सिर्फ sigma bond बनाता है। तो जनाबे वाला 150 MCQs हो गए, ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है, 17-18 मिनट की हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसको डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा कि अब डेली वीडियोस बना के डालूं क्योंकि आपका पेपर करीब है। तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एडवांटेज हो। मेरे ख्याल में मैं काफी डिटेल में बता रहा हूँ कि क्यों किसी का आंसर क्या है, डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको फायदा हो। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।